इस चैनल पर उपस्थित सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। आप लोग को ट्रिकोनोमेट्री के पीछे वीडियो 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4 सभी को बता दिया गया था और आप लोग को यह बोला गया था कि जिन बच्चों को जहाँ भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को व्हाट्सएप करें, मैं उसका सोल्यूशन भेजेंगे। तो जो भी आपने क्वेश्चन किया है उसका सोल्यूशन भेज रहे हैं, आप इसे गौर से भी देखें। साथ ही साथ लाइव में इन बातों को ध्यान रखना पड़ता है कि समय पर लाइव रहे और पूरा तक, तब लाइव का मतलब होगा, जिससे आपको काफी लाभ होगा। आइए हम लोग आपके सामने जो भी क्वेश्चन बचा हुआ उन सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं, गौर से देखेंगे सुनेंगे। यदि एक्स बराबर आर कॉस अल्फा साइन बीटा कोमा बाई बराबर आर कॉस अल्फा कॉस बीटा और जेड बराबर आर साइन अल्फा, तब सिद्ध करें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। विद्यार्थी जी, बहुत आसान है क्वेश्चन। इस तरीका का मैंने पीछे के वीडियो में 2-3 क्वेश्चन दिए हैं, पर आप ध्यान नहीं दे रहे। देखिए, खुद कह रहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी एक्स का वैल्यू दे देंगे, वाई वैल्यू दे देंगे, जेड का वैल्यू PLHS है, ERHS है और ये सभी दिया हुआ। तो सॉल्यूशन और करें, सॉल्यूशन LHS से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, x का वैल्यू बाहर दो r cos अल्फा sin बीटा का होल स्क्वायर
प्लस आर कॉस अल्फा कॉस बीटा का होल स्क्वायर प्लस आर साइन अल्फा का होल स्क्वायर। आइए तीनों गुना में और वर्ग है तो तीनों पर स्क्वायर बनते हैं, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा और ये साइन स्क्वायर बीटा, ये भी वही बात हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, ये भी वही बात हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, हो गया बहादुर। अब यहां से आर टोटल से कॉमन ले लो या नहीं तो पहले ये दोनों से चलो, ये दोनों जो मिल रहा है उसको कॉमन लो, तो आर स्क्वायर मिला और कॉस स्क्वायर मिला, कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन इतना, तो बचिए यहां से बहादुर साइन स्क्वायर बीटा, यहां से बचिए बहादुर कॉस स्क्वायर बीटा, अब वहां रह गया साइन स्क्वायर अल्फा, सही बात। अब देखिए इसका हो गया आर कॉस स्क्वायर अल्फा गुणे ए, इसका वैल्यू सूत्र बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर और आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, बहुत बढ़िया बात, आर स्क्वायर कॉमन है, यहां से बच के बहादुर कॉस स्क्वायर अल्फा और यहां से बच के बहादुर साइन स्क्वायर अल्फा, इसका वैल्यू एक आर स्क्वायर गुणे एक इक्वल टू आर स्क्वायर, ये आ गया आर एच एस। देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन था, आप ध्यान नहीं देते हो, एल एच एस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और आर एच एस आर स्क्वायर, एल एच एस से चला सबका मान दे दिया सूत्र पर लगा दिए कॉमन ले लिया फिर दोबारा कॉमन लिए आर का वैल्यू सॉरी एक्स इसका वैल्यू एक आ गया आर स्क्वायर आ गया, कितना आसान था, आप ध्यान इस तरीका से बताए थे, चलिए बहुत बढ़िया बात है, देख लिए आगे हम बता रहे हैं कहीं जाइए नहीं रेगुलर रहिए ऑनलाइन मतलब आप भी ऑन रहे, ये हो गया आगे क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन भी बता चुके हैं sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर x, तब सिद्ध करें पहला cos थीटा बराबर 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और दूसरा sin थीटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पीछे भी क्वेश्चन वीडियो में बता चुके हैं उसमें केवल साइन थीटा का मान ज्ञात करना होता था, इसमें दो को दे दिया है कॉस थीटा, ध्यान से देखिए कोई दिक्कत नहीं है सॉल्यूशन, यहां से sec थीटा माइनस टैन थीटा बराबर एक्स, अब विद्यार्थी दोनों तरफ हम लोग वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, कब जब एक को उधर पहले भेज देंगे तब sec थीटा बराबर x प्लस tan थीटा x प्लस tan थीटा tan थीटा, अब दोनों तरफ वर्ग करो, दोनों तरफ वर्ग करने पर अब हो यही sec थीटा का होल स्क्वायर x प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, सूत्र हो गया ही sec स्क्वायर थीटा ये प्लस बी के होल स्क्वायर 2ab, सुन लिया जोड़ इधर लाएंगे घटाव में sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर x स्क्वायर प्लस 2x tan थीटा, समझ रहे बात को, इसका वैल्यू एक हो गया एक बराबर x स्क्वायर प्लस 2x tan थीटा जोड़ में इधर की घटाव में 1 माइनस x स्क्वायर बराबर 2x tan थीटा,
तो बहादुर इसलिए टेन थीटा बराबर ई भागा पड़ी थे वन माइनस एस स्क्वायर बटे टू एक्स, इसी को आप पी बटे बी समझते हो। तो आपको ध्यान में आ गया होगा बात को कि पी और बी दे रहे तो क्या निकाल लेंगे, एच निकाल लेंगे। इसलिए इसलिए पी बराबर यहां से क्या मान लो वन माइनस एक्स स्क्वायर और बी बराबर मान लो, और एच का सूत्र जानता ही है कि होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का वैल्यू बहादुर वन माइनस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर और दू एक्स का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस चार एक्स स्क्वायर। योग्य बाबू ए प्लस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर, इसको भी रहने दो कोई दिक्कत नहीं, फिर से लिखते हैं साफ से। ये देखिए एक का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर और ई माइनस टू एक्स स्क्वायर और ई प्लस टू एक्स फोर एक्स स्क्वायर। अब बाबू एक का स्क्वायर एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर, देखिए बहादुर की माइनस वाला सूत्र लगाया था तो यहाँ माइनस में टू एक्स स्क्वायर आया था, अब प्लस वाला ही हो जाएगा यानी एक प्लस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर स्क्वायर से रूट बाहर वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ गया आपको पहला किसका है तो कॉस थीटा एल एच एस में कॉस थीटा बी बढ़ते एच, बी का वैल्यू बहादुर दू एक्स, एच का वैल्यू एक प्लस एक्स स्क्वायर। दूसरा बहादुर साइन थीटा, सूत्र है बहादुर पी बटे एच, पी का वैल्यू वन माइनस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये था आपको मान ज्ञात करने के लिए कह रहा था या फिर सिद्ध करने के लिए, दोनों वैल्यूएशन इक्वल आया। आप देख रहे हैं ये था आपको एल एच एस या वी आर एच एस, ये था एल एच एस या वी आर एच एस। तो पीछे वाले वीडियो में ही कह रहा था मान ज्ञात करने के लिए कि साइन थीटा का मान ज्ञात करें, तो आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आप पीछे वाले वीडियो में जरूर देखेंगे, वहां पर होगा कि ये प्रश्न डेल था और उसमें केवल कह रहा था कि साइन थीटा बराबर मान ज्ञात करें, तो उसमें मान ज्ञात करने के लिए कह रहा था और इसमें कह रहा है सिद्ध करें। तो दोनों बात यहाँ के लिए बनाने का तरीका के लिए एक जैसा है, जैसा कि अभी आपने इस सॉल्यूशन में गौर से देखा। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम मिटाते हैं आपके द्वारा पूछे गए अगला क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रहे हैं और कहीं जाइए नहीं। देखिए आगे क्वेश्चन बहादुर, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू सी, तब सिद्ध करें सिद्ध करें ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। देखिए विद्यार्थी जी इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पीछे भी बताए हैं, उसमें था कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर एट, तो सिद्ध करें कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर प्लस माइनस एट। सेम वही क्वेश्चन है, क्या था फिर से मैंने बोलते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर एक, तो सिद्ध करें कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर प्लस माइनस एक। तो दोनों क्वेश्चन एक ही तरह है, इसको समीकरण एक मान लेंगे और यहां मान लेंगे एक्स और इसके जगह पर मान लेंगे समीकरण दो। देखिए सॉल्यूशन किस प्रकार से करते बहादुर, देखिएगा हल सॉल्यूशन ए कॉस थीटा प्लस बी साइन
थीटा इक्वल टू सी समीकरण वन और ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बराबर एक्स माना, ये मान लिया इसके जगह पर समीकरण दो। अब यही एक्स का जो मान आएगा यहाँ पर रख देंगे इतना आ जाएगा। गौर कीजिएगा अब समीकरण समीकरण पहला का वर्ग और जोड़ समीकरण दूसरा का जोड़, समय रख दिया थी तो आ गया ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर और प्लस में बहादुर प्लस में ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आपके सामने ए प्लस बी के स्क्वायर तोड़िए, इसको ये माइनस बी के स्क्वायर तोड़िए तो आ जाएगा ए कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, समझ में आती है टू हो गए ए है बी है कॉस थीटा साइन थीटा चार गुना में प्लस यहां से ए साइन थीटा का होल स्क्वायर बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस में बाबू ये प्लस में बाबू, ये आ गया आपको ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया आपको ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ये आ गया सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ए वाला को एक तरह रखेंगे, देखिए यहाँ से ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एक साथ और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और इक्वल टू में सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बहादुर, इसमें एक्स ए कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें भी बी स्क्वायर कॉमन लेंगे बहादुर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू एक इसका वैल्यू एक यानी आगे बाबू ए स्क्वायर गुने एक और प्लस बी स्क्वायर गुने एक और बराबर सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ देख रहे हैं बात को। अब यहां से इसका वैल्यू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जोड़ में इधर इधर घटाओ में है ना, जोड़ में इधर आएगा तो घटाओ में, देखिएगा आप इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर घटाओ सी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट चढ़ा दो प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, मान आ गया देख रहे मान आ गया। अब मान रख देंगे एक्स का मान टू में रखने पर तो टू को छे बहादुर तो ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इक्वल टू एक्स, तो ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस इसका वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टोटल। तो ये था आपको क्वेश्चन जिस प्रकार आपने पहले भी बनाया था वहां पर सिद्ध करना था प्लस माइनस, आप पीछे वीडियो को जरूर देखें और भी एक क्वेश्चन आपको मिलेगा 8.1 के 53 में बुक में भी स्टूडेंट फ्रेंड में भी यह बताया हुआ है और मैं भी बताया है सेम, सिर्फ यहाँ पर ए और बी नहीं है, ए और बी नहीं है, यहाँ एक है यहाँ प्लस माइनस एक है। तो ये है आपका क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन, बाकी के लिए ध्यान दें। कुछ और एक क्वेश्चन है मैं उसका भी बता देता हूं और आगे जो स्टार्ट करेंगे वो ध्यान रहे। आप लोग तो अभी तक कमेंट नहीं किए हैं कि क्या स्टार्ट किया जाए,
देखिए बाद स्टूडेंट फ्रेंड्स 53 नंबर क्वेश्चन है, यदि ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू साइन थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सिद्ध करें टैन थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे टू ए बी। बहुत आसान क्वेश्चन है बहादुर, ध्यान से देखिएगा। आप लोगों को बताए थे यदि साइन थीटा और कॉस थीटा है, पीछे की वीडियो में आप लोगों को एक बताया गया था कि 4 साइन थीटा 3 कॉस थीटा बराबर 5, तो साइन का मान ज्ञात करें, टैन का मान ज्ञात करें, कॉट का मान ज्ञात करें, किसी का भी मान ज्ञात करें। तो आपको बोले थे, गौर कीजिए, इसको इसमें भाग दे दीजिए, इसको इसमें, अभी ऐसा रहेगा तब, और ये नियम केवल साइन थीटा में लागू होता है, किसी और में नहीं। क्या, तो देखिए 4/5 साइन थीटा प्लस 3/5 कॉस थीटा, अब भागा दीजिए देर कुछ नहीं बचेगा, ये तो ये आ गया साइन थीटा का मान, ये आ गया कॉस थीटा का मान, यानी पी बराबर यहां से मिल जाएगा आपको 4, एच बराबर आपको मिल जाएगा 5 और बी बराबर मिल जाएगा 3। या ऐसे भी साइन प्लस कॉस और संख्या हो और पहला संख्या 4 का वर्ग दूसरा संख्या 3 का वर्ग बराबर लास्ट वर्ग, ये जोड़ करके यदि बराबर आ जाएगा बहादुर तो डायरेक्ट ये रहेगा लंब आधार कर्ण, साइन थीटा के साथ रहेगा गुना गल्लम, कॉस थीटा के साथ गुना रहेगा आधार, और लास्ट में जो संख्या रहेगा हो जाएगा कर्ण। तो इस प्रकार से बहादुर बहुत बहुत सुंदर तरीका, उसी प्रकार से यदि आप इसका वर्ग करें, इसका वर्ग करें और इसका वर्ग करें और बराबर हो जाए, तब ये लंब का मान हो जाएगा, ये आधार का मान हो जाएगा और ये कर्ण का मान हो जाएगा। ऐसे बना सकते हैं, एक तरीका जो बहुत सुंदर तरीका है, और एक तरीका है आपको बताने का है विद्यार्थी जी, वो क्या है कि यदि टैन थीटा बराबर लंब और आधार है तो कर्ण निकाल लें, इधर से चलेंगे तब तो, टैन थीटा बराबर लंब और क्या दे रहे हैं आधार, तो कर्ण निकाल लेंगे, वहां से साइन थीटा का मान निकाल लेंगे, कॉस थीटा का मान निकाल लेंगे और यहां मान रख देंगे, याद रखें। दोनों में से जो तरीका है तो वो थोड़ा लंबा पड़ रहा कि टैन थीटा दे ले, वहां से लंब आधार दे ले, तो कर्ण निकालेंगे, फिर कॉस निकालेंगे, फिर साइन निकालेंगे, फिर यहां मान पुट करेंगे, तब जाकर के आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उससे बेहतर है कि हम लोग यही नियम को पालन करें जो अभी आपको बताए कि साइन के आगे जो है उसका गुणा का वर्ग कर देंगे, कॉस के आगे जो गुणांक है उसका वर्ग कर देंगे और लास्ट वाली संख्या उसका वर्ग कर देंगे और बराबर आ जाए, तब उसको रहेगा लंब, ये रहेगा आधार, ये रहेगा कर्ण। देखिए सॉल्यूशन में चलते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू साइन थीटा और टू ए बी कॉस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फॉलो किया, यदि ऐसा होगा तब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर टू ए बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर, साइन के गुणांक का वर्ग, कॉस के गुणांक का वर्ग और अंतिम सभी के वर्गों के यदि बराबर आएगा तब ये हो जाएगा लंब आधार कर्ण। देखिए योग्य a स्क्वायर के होल स्क्वायर योग्य b स्क्वायर के होल स्क्वायर माइनस 2 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4 a स्क्वायर b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर के होल स्क्वायर b स्क्वायर के होल स्क्वायर प्लस 2 a स्क्वायर b स्क्वायर। धन्यवाद, ए स्क्वायर
तो स्क्वायर का थाइन तो उस पर भी स्क्वायर, बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर था उस पर स्क्वायर, अब माइनस टू ए बी, अब दो का वर्ग चार। अब देखिए बाब यहाँ से ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बी स्क्वायर के होल स्क्वायर, चार में दो घटेगा तो दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर के होल स्क्वायर बी स्क्वायर के होल स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आगे रहा तो देख रहे हैं दोनों बराबर है, दोनों पक्ष बराबर है बहादुर, इधर का पक्ष बाया पक्ष और दायना पक्ष दोनों पक्ष क्या है बराबर, इसलिए आप लंब का मान दे सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आधार का मान दे सकते हैं टू ए बी और कर्ण का मान दे सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसलिए टाइम पूछ रहा है बहादुर तो टाइम बराबर होता है पी बटे बी, पी का वैल्यू हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए बहादुर आपके सामने आर एच एस आ गया, ये देखिए एल एच एस था टाइम और ये था आपको आर एच, तो मान ज्ञात करने के लिए कहे या सिद्ध करने के लिए कहे, बात एक ही है। इस प्रकार से आप पीछे वाला भी क्वेश्चन भी देखा, तरीका अलग था लेकिन अंतिम का रिजल्ट वही, उसमें निकालने के लिए कर रहा था साइन का मान कॉस का मान, यहाँ निकाल कर रहा है केवल टाइम का। तो ये था आपको सही प्रश्नों का जवाब, आज तक के जितने भी आपने क्वेश्चन किया मैंने सही क्वेश्चनों का जवाब भेजे, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे मैं क्या बताएंगे इसके बारे में, कौन सा चैप्टर आप लोग को पढ़ना है इसके बारे में जरूर बताइए, है ना। यदि आपको पहला चैप्टर रियल नंबर पढ़ना है तो कमेंट में ए लिखे, यदि आपको रियल नंबर पढ़ना है रियल नंबर पढ़ना है तो कमेंट में ए लिखे ए, यदि उसके बाद वाला चैप्टर पढ़ना है एक्सरसाइज 2.1 तो उसके लिए आप कमेंट में बी लिखे, पॉलिनोमियल है। और यदि मेरे मन से पढ़ना तो आप अपने कमेंट में ए भी लिखे, आप अपना मन पहला रियल नंबर पढ़ना है तो कमेंट में ए लिखे, यदि रियल नंबर के बाहर पढ़ना है तो कमेंट में बी लिखे, यदि मेरे मन से पढ़ना है तो ए भी सी लिखे, अन्यथा यदि आपको पीछे से पढ़ना है पीछे कोई भी चैप्टर तो कमेंट में सी लिखे। ये रहा आप लोग के लिए, ध्यान में रखिएगा कि रियल नंबर पढ़ना है तो कमेंट में ये लिखना, रियल नंबर के बाद वाला पढ़ना है 2.1 से तो बी लिखना है, यदि मेरे मन से पढ़ना तो ये भी लिखना है, और यदि पीछे से पढ़ना है तब सी लिखना। तो ये रहा आप लोग का, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कुछ गलती हुआ, गलती यही हुआ कि आप लोग के द्वारा पीछे गए क्वेश्चन कुछ पीछे वाला पेज पर लिखा हुआ था, मैं देखा नहीं, और खैर कोई बात नहीं है, आप कहीं छोड़ के जाए नहीं, बाकी हम आपको बताते हैं। तो देखिए पहले साफ करने दीजिए, ध्यान से शांत है। तो क्वेश्चन कोई भी हो उससे कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी होता था क्लास में भी, आपको चैप्टर खत्म हो जाता था पीछे क्वेश्चन रह जाता था फिर बाद में बताया जाता था। आइए आपका क्वेश्चन क्या है सुनिए, रूट अंडर टू साइन थीटा बराबर है तो थीटा का मान बताए। देखिए कोई दिक्कत नहीं, सोल्यूशन अंडर रूट टू साइन थीटा बराबर ए, रूट हटाने का फॉर्मूला तो आप जानते हैं, दोनों तरफ वर्ग करते हैं, यहां लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर,
तो योग्य बहादुर रूट टू साइन थीटा का होल स्क्वायर और ये का होल स्क्वायर, वर्ग से वर्ग मूल खत्म, तो आ जाएगा दू साइन थीटा बराबर एक का वर्ग एक। अब दू गुना उधर दे तो भागा बहादुर एक बटे दू। आप याद कीजिए कि साइन थीटा एक बटे टू कितना डिग्री में होता है, बोलिए तुरंत कमेंट में लिखिए। साइन थीटा इसका मान 30 डिग्री होता है, बहुत बढ़िया है ने? इसलिए बताए थे निष्पत्तियां समाप्त हो जाता है, थीटा का वैल्यू बच गया, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये रहा विद्यार्थी जी आपका थीटा का मान जो आपके क्वेश्चन में कर रहा था। बहुत सुंदर तरीका था, वर्गमूल में था दोनों तरफ वर्ग कर दिए, वर्गमूल से बाहर आ गए, दोगुना में था भागा हो गया, वन बटे टू आप पहले भी आज किए, तो उसका वैल्यू होता है साइन 30 डिग्री, थीटा से थीटा समाप्त, थीटा का वैल्यू हो गया 30 डिग्री, साइन से साइन समाप्त। तो ये रहा है आपका पूछे गए क्वेश्चन का मान। बहुत बहुत धन्यवाद, ये आपने ऐसा क्वेश्चन किया, ये सवाल छोटा क्वेश्चन अति लघु तरीके में रहेगा बेटा रहे बहादुर। और भी एक दो क्वेश्चन, आप कहीं जाइए नहीं, मैं बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। देखिए बहादुर सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर नहीं है यहां पर बहादुर, इसलिए मैंने क्यू केवल लिखते हैं, और ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले बता चुके हैं, एक बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा और बराबर यहां पर है सेक थीटा प्लस टेन थीटा को सिद्ध करें। यही क्वेश्चन है, मैंने पहले भी बता चुके हैं पीछे वाले वीडियो में, मैं बार बार यही कहता हूं कि किसी भी क्वेश्चन को आप देख ले तब हमसे सोल्यूशन करवाए तो बेहतर होगा, है ना? और नहीं बताएंगे तो कई बार सर आप बताते नहीं है, लेकिन आप देख ले बहादुर सोल्यूशन में चल रहे हैं आप LHS से, एक बटे sec थीटा माइनस tan थीटा, एक का मान दे दो तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, एक का वैल्यू होता नीचे sec थीटा माइनस tan थीटा। आप जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू एक होता है, इसलिए उसका मान दे दिए। अब ऊपर सूत्र हो गया बहादुर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ देंगे sec थीटा प्लस tan थीटा इनटू बहादुर sec थीटा माइनस tan थीटा, बहुत बहुत सुंदर, sec थीटा माइनस tan थीटा ये हो गया कैंसिल, तो अब हो गया sec थीटा प्लस tan थीटा। आप RHS का चेहरा देखें और जो आ रहा है उसका चेहरा देखें, इक्वल हो गया तो ये सिद्ध होता है, तो आपके लिए ये बहुत बहुत सुंदर है। पीछे भी मैंने सेम क्वेश्चन बताए हैं, उसको आप ध्यान में रखिए, बताए गए क्वेश्चन को दोबारा ना रिपीट करें, उससे बढ़िया है कि दोबारा हम देख लेंगे, तीन बार देख लेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी एक क्वेश्चन विद्यार्थी, और भी एक क्वेश्चन, ये सब पीछे वाला पेज में था, मैंने ध्यान नहीं दिया उलट करके। cot 2 थीटा क्वेश्चन है, cot 2a बराबर cot 2a सॉरी tan 2a, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, तो ए का मान न्यून कोण में ज्ञात करें, न्यून कोण में ज्ञात करें। देखिए बहादुर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको पीछे भी इस प्रकार से क्वेश्चन मैंने बताए हैं, ध्यान दीजिएगा। टेन टू ए बराबर कॉट ए घटाओ 18 बहादुर, टेन थीटा कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, सूत्र आपको याद होगा, सूत्र कि टेन थीटा बराबर बताए थे कॉट 90 माइनस थीटा, याद है?
तो यहां वही चीज लिखेंगे कि टैन थीटा की जगह पर लिख देते हैं कि टैन थीटा हुआ, इसके जगह पर लिख देते हैं कॉट 90 घटा, और ऐसे ही बोले थे टैन किसे बदलता है कॉट में 90 घटा तो ये लिख देंगे। अब इधर हो गया कॉट 1 घटा 18 डिग्री, बहादुर ई से ई कैंसिल ई बच गया, 90 घटा 2a और बराबर 1 घटा 18, a का वैल्यू निकालना है तो उधर से इधर लाएंगे माइनस 2a प्लस में इधर आए थे तो माइनस में माइनस 18 माइनस 90 बहादुर माइनस 2a माइनस 1 माइनस 3a और ये 108 माइनस में कैंसिल से कैंसिल माइनस माइनस कैंसिल a इक्वल टू 108 बाय 3 से काटना है 3 3 या 9 36 18 से a इक्वल टू 36 डिग्री जो न्यून कोण है आपके सामने सॉल्यूशन किया गया जिसका जवाब मिल रहा है कि थीटा यहाँ एंगल है a एक जगह माना है आपको 36 डिग्री जो कि न्यून कोण है और न्यून कोण के रूप में निकालने के लिए भी कह रहा था। ये रहा आपके प्रश्नों का जवाब। एक आगे और भी क्वेश्चन एक है लास्ट क्वेश्चन है गौर करेंगे ध्यान देंगे इस सबका नंबर नहीं लिखा हुआ है मैंने बार बार कहते कोई भी नंबर कोई भी बुक हो नंबर लिख दीजिए बगल में बुक का नाम लिख दीजिए बहुत अच्छा रहेगा कि जो बच्चा भी ढूंढना चाहेगा उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि आप नहीं भी दीजिएगा तो क्वेश्चन है ना हम तो क्वेश्चन तो लिख देते हैं ऐसा नहीं डायरेक्ट लिखते हैं सोल्यूशन क्वेश्चन भी लिख देते हैं किताब हो नंबर हो ना हो उससे कोई दिक्कत नहीं है ना क्या है क्वेश्चन तो साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 बटे साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 बराबर 1 बटे सेक ए माइनस टैन ए सिद्ध करें। ए मैंने क्वेश्चन लिख दिया कोई भी क्वेश्चन ध्यान दे कोई दिक्कत नहीं बहुत आसान है। आप पहले सॉल्यूशन चलेंगे एलएचएस से उतारेंगे कि साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 बटे बाद साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 साइन ए कॉस ए को सेक और टैन में लाना है तो हम लोग को भी तो पहले उसी में बदलना पड़ेगा तबे ना आएगा। साइन और कॉस दिया हुआ है प्रश्न और सेक और टैन में पूछ रहा है तो सेक और टैन में तो बदलना पड़ेगा तो ऊपर 3 पद है और नीचे भी 3 पद है तो ऊपर और नीचे यानी अंश और हर दोनों में कॉस से भाग दे दो ठीक है। क्या लिखेंगे कि अंश और हर में कॉस ए से भाग देने पर देने अब देखिए भाग जब देते हैं तो होता क्या है तो साइन ए बटे कॉस ए माइनस कॉस ए बटे कॉस ए सभी पद में पड़ेगा 1 बटे कॉस ए अंश में हो गया। अब हर में आते हैं साइन ए बटे कॉस ए प्लस कॉस ए बटे कॉस ए माइनस 1 बटे कॉस ए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिएगा ये तो कट गया ये तो कट गया लेकिन ये साइन बटे कॉस टाइन में आ गया टाइन ए माइनस 1 1 बटे कॉस सेक में आ गया बहुत अच्छा। यहां से टाइन ए यहां से 1 इसका वैल्यू 1 और ई माइनस में सेक है सजा दिया जाता है कि टैन ए प्लस में सेक ए घटाओ में 1 नीचे भी सजा दो टैन ए
माइनस में से के प्लस वन, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए इस एक का मान से का टर्न में देंगे तो से का टर्न में आपके पीछे तुरंत अभी बताए जस्ट से का स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर है, यानी यहां पर लिखेंगे से का स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यानी आपको आ गया टेन ए प्लस से के माइनस ब्रैकेट दे देंगे यहां और यहां लिख देंगे से स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। बहुत बहुत नीचे कुछ नहीं करेंगे, हर को डाउन टच से के प्लस वन, हर को कुछ नहीं किया। अब देखो ये तो आप जानते हैं कि सूत्र बन गया, एक का मान भी सूत्र के रूप में दिए फिर उसको सूत्र बना दिए तो जगह कम है, इसलिए ये आप जानते हैं कि एक बार जोड़ में होगा एक बार घटाव में, इसलिए जोड़ वाला को कॉमन ले लेते हैं, sec a प्लस tan a कॉमन ले लिए तो यहां से एक बचेगा इस सब में एक, और माइनस यहां से बच जाएगा बहादुर, यहां से नई जगह है मिटाना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा या चल रुक जाएगा एक मिनट। देखिए यहां बना देते हैं, यहां ये हो गया बहादुर टेन ए प्लस से के माइनस वन का वैल्यू दे देंगे से का स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बटे नीचे कुछ नहीं करेंगे टेन ए से के प्लस वन इसको टेन ए प्लस से के माइनस फैक्टर गुणनखंड कर दो बहादुर, ये हो गया से के प्लस टेन ए इंटू से के माइनस टेन ए, नीचे कुछ नहीं करना है टेन ए से के प्लस वन। अब देखिए टेन ए से के यहां टोटल एक है और इसमें भी है तो कॉमन ले लेंगे तो यहां से कॉमन निकालेंगे ये पूरा तो यहां एक बचेगा और यहां माइनस के साथ ई बचेगा तो यहां गया टेन ए प्लस सेक ए कॉमन तो ब्रैकेट यहां से कुछ नहीं एक और यहां से तो सेक ए माइनस टेन ए बचेगा, नीचे कुछ नहीं करना है, नीचे कुछ करने नहीं है सेक ए प्लस वन। अब देखिए ऊपर हो गया टेन ए प्लस सेक ए इंटू वन, चिन्ह बदल जाएगा सेक ए प्लस टेन ए। अब नीचे सजा सकते हो, देखिए ये क्या है वन तो पहले वन लिख दो, ये माइनस में सेक ए अब प्लस टेन ए, यानी सजाए क्या तो आपको ध्यान रहे इसको यहां किया गया और इसको वहां किया गया, उससे कोई दिक्कत नहीं, उससे क्या होगा कि कट जाएगा, समझ आए बात को, जगह तो नहीं है यहां यह देखना पड़ेगा। देखिए आपके लिए बच रहा है टेन ए प्लस से के अब बटे नीचे ये, फिर इसका मान देना पड़ेगा टेन ए प्लस से के बटे से का स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, फिर इसको तोड़ना पड़ेगा टेन ए प्लस से के नीचे बोलो से के प्लस टेन ए इंटू से ए माइनस टेन ए स्क्वायर माइनस प्लस वाला कट गया एक बटे ये आगे है पीछे उससे कोई दिक्कत नहीं जोड़ में दोनों, बचा क्या तो गौर करेंगे से के माइनस टेन ए। आर एच एस बहादुर गौर करें, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, थोड़ा आगे पीछे जगह कम रहने के कारण मिटाया गया, आप ध्यान से रखेंगे
दिमाग को। देखिए हम बता देते हैं फिर से, आइए गौर करेंगे। ये आपका प्रश्न है, ये लाना है, लाना है सेक और टैन में। इसलिए प्रश्न को सभी को सेक और टैन बदलने के लिए कॉस से भागा देती है। देखिए यहाँ था साइन, हो गया साइन बटे कॉस, कॉस बटे कॉस, एक बटे कॉस, साइन बटे कॉस, कॉस बटे कॉस, एक बटे कॉस। ये कट गया, ये कट गया, इसके जगह पर एक आ गया, साइन बटे कॉस टैन टैन हो गया, एक बटे कॉस सेक में आ गया। देख रहे हैं आपकी जगह ये आ गया। अब इसको ले चले वहां, इसका वैल्यू दे दिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा का वैल्यू एक होता, इसका गुणनखंड कर दिए, एक बार जोड़ में एक बार घटाओ, प्लस वाला को कॉमन ले लिए बाहर, यहां से जब टोटल कॉमन आ गया तो बच गया एक, और ये माइनस, अब ये प्लस वाला निकल गया बच गया माइनस वाला, और ये चिन्ह बदल जाएगा, मैंने बदल दिया। देखिए ये प्लस में था सेक, माइनस में, ये माइनस में था प्लस में, ये इसको इसको सेम। देखिए कैसे, तो इसमें पहले टैन था और लास्ट में एक था, इसको शुरू चेंज कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, एक ही पद में आगे पीछे करने से कोई अंतर नहीं होता है। तो ये कट गया, बच गया सेक प्लस टैन, सेक प्लस टैन नीचे कुछ नहीं तो एक, फिर एक का मान देना पड़ेगा क्योंकि आर एच एस में माइनस में लाना, तो एक का सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर एक, फिर इसको तोड़ना पड़ेगा प्लस में और घटाओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्लस सोलह कट गया, एक बटे समथिंग बट गया। तो आपने इतना क्वेश्चन किया, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इसी प्रकार से क्वेश्चन करते रहे। और आज इस वीडियो में 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4 खत्म हुआ। त्रिकोणमिति में एक और बचा हुआ है, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। यदि आपको कहना है कि सर ऊंचाई और दूरी इसी में पढ़ा दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं, आपको यदि ऊंचाई और दूरी पढ़ना है ध्यान दे तो कमेंट में ये लिखेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस यदि पढ़ना है तो कमेंट में ये लिखेंगे, यदि शुरू चैप्टर पढ़ना है तो कमेंट में बी लिखेंगे। शुरू चैप्टर मतलब रियल नंबर, कुछ बैचों में रियल नंबर बताया गया है और कुछ में नहीं, इसलिए विद्यार्थी आप याद रहे कि जिसको सबके रियल नंबर पढ़ा दिया जाएगा, अब तो क्लास नहीं बल्कि यूट्यूब पर बताया जा रहा, इसलिए इस चैनल से जुड़े हुए सभी विद्यार्थी नवादा एवं नवादा छोड़कर के सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद जो इस चैनल को देख रहे हैं, वो मेरा हो या ना हो मुझसे मतलब नहीं है। जब आप मेरे वीडियो देख रहे हैं आप मेरे विद्यार्थी हैं, आप बिहार का सदस्य हैं, आप भारत का सदस्य हैं, ये मेरे लिए बहुत खुशखबरी है कि सब पढ़े और सब बढ़े। तो ध्यान में रहे बशर्ते मेरा वीडियो आपको पसंद होनी चाहिए, पढ़ाई भोजन कपड़ा ये सभी पसंदीदा चीज है, आप इसे अपने दिल से जितना पसंद करेंगे उतना आप पर खूबसूरत लगेगा, खूबसूरत दिखेगा और खूबसूरत हो जाइएगा, है ना। ये विद्या भी एक सुंदरता बढ़ाने वाला श्रृंगार के रूप में होती है, इसलिए विद्यार्थी आप इसे अधिक से अधिक समझने की कोशिश करें। तो याद रहे इसके बाद वाला चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, वो भी त्रिकोणमिति से रिलेटेड है। यदि आपको हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ना है तो कमेंट में ये लिखेंगे, यदि आपको रियल नंबर पढ़ना है तो कमेंट में बी लिखेंगे, यदि मेरे मन से पढ़ना है कि जो भी इच्छा रहे आपको समझने लायक रहे, यदि मेरे मन से पढ़ना है तो आप कमेंट में ए भी लिखेंगे, समझ रहे बात को, और पढ़ना नहीं है तो भी सी लिख देंगे, यदि आपको पढ़ना नहीं है तो कमेंट में सी लिख देंगे, ये आपका कमेंट है, समझ रहे बात को, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि विपक्ष भी होना बहुत जरूरी होता है, तब तो पक्ष को काम करने में मजा आता है ना। तो याद रहे फिर से, यदि हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ना है तो कमेंट में ए लिखेंगे, और यदि रियल नंबर पढ़ना है तो कमेंट में बी लिखेंगे, यदि मेरे मन से पढ़ना है तो ये भी लिखेंगे, और यदि नहीं पढ़ना तो कमेंट में सी लिखेंगे, वेटिंग फॉर आपका कमेंट, समझ रहे। तो आइए आज इस चैनल में आपको ट्रिकोनमेट्री 8.1, 2, 3, 4 लास्ट हुआ, खत्म हुआ, इसके लिए धन्यवाद, और इस चैनल से जुड़े सभी विद्यार्थियों को जय हिंद।